तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसा मिनी ब्रिज बनाने के लिए जो इतना असली दिखता है कि आपको उस पर से गाड़ी चलाकर ले जाने की इच्छा होगी। हम इसे कंक्रीट से बनाएंगे, पर पहले हमें उसे सपोर्ट करने के लिए मेटल के बहुत सारे ढांचों की जरूरत पड़ेगी। क्राफ्टर बेसिस को फड़ना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल अजीबोगरीब सीरियल बाउल्स की तरह है। सूखने के बाद ऊपर भी मोल्ड्स लगाकर उसमें ग्रे कंक्रीट भर दिया जाता है। मोल्ड्स को हटाकर हमें मिल गए हैं एकदम तैयार तगड़े कंक्रीट सपोर्ट्स। वैसे सपोर्ट्स से याद आया, इन आर्चेस का ऊपरी हिस्सा बनाते वक्त क्राफ्टर बीच बीच में बीम्स भी लगाते जा रहे हैं। अब गाइड को हटाने के बाद हमें मिलते हैं बहुत सारे ब्रिज बेसिस जो सब एक कतार में खड़े हैं। फिर क्राफ्टर इसमें छोटी सीढ़ियां लगाएंगे और उन्हें छोटे तारों से जोड़ेंगे। वैसे इस काम के लिए वो लेंस का भी इस्तेमाल कर सकते थे। अब हम छोटे मोल्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और उसमें कनेक्टर भी जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक एंगल पर बना है। उम्मीद है कि ये ठीक ठाक लग रहा है। ये तार है हमारे सस्पेंशन केबल्स। अब बस मोल्ड्स को तोड़कर निकालिए और हमें मिलता है एक कूल सा लेटर एच जो है हमारे ब्रिज का टावर। अब हमें सबको आपस में जोड़ना है। एक असली ब्रिज पर ये लंबे तार स्ट्रिंगर्स का काम करते हैं और क्रॉस पीसेस फर्श की बीम्स का काम करते हैं। बिल्कुल किसी गिटार की गर्दन जैसा लग रहा है। हमारे लिए कुछ बजाओगे दोस्त? हाँ, कुछ और जोड़ तोड़। अब हमें बस तय करना होगा कि आगे बढ़ने से पहले सब कुछ मजबूती से खड़ा है कि नहीं। केबल्स मोल्ड के छोटे होल्स में फिट हो जाते हैं जिससे इन्हें सपोर्ट मिलता है जिसकी इन्हें सख्त जरूरत है। अब क्राफ्टर थोड़ा और कॉन्क्रीट डाल रहे हैं। बिल्कुल किसी केक की आइसिंग की तरह लग रहा है। उम्मीद है कि हमारा ब्रिज खड़ा रहेगा। हमने मोल्ड्स को हटा दिया है और एकदम हमें ऐसी चीज दिख रही है जो बिल्कुल ब्रिज की तरह है, पर ये ऐसे ही बीच में खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए हमें कुछ और आइडिया लगाना होगा। कुछ और कंक्रीट और कुछ पत्थरों की मदद से क्राफ्टर ने एक बांध बनाया है और फिर उन्होंने ब्रिज का डेक पीछे की तरफ बढ़ाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे इतना असली दिखाने की जरूरत क्यों है, पर मुझे खुशी है कि इतना असली दिख रहा है। और देखिए, हमारे ब्रिज ने दो बांधों के बीच की दूरी को तय किया है ताकि इस पर चलने वाली काल्पनिक कारें एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाएं। अब बनाने का काम खत्म हुआ। अब वक्त है इसे सुंदर बनाने का। क्राफ्टर ने इसे ब्लैक बेस कोट किया है, फिर रोड के सफेद निशानों के लिए एक छोटे घर के बने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है। ये इतना क्यूट है कि पूछो मत। बहुत सुंदर। वाह, ऐसा लग रहा है हम लिलीपुट के देश में आ गए हैं। अब हमें इस पर एक बैरियर चिपकाना है। हम नहीं चाहते कि इस पर कोई एक्सीडेंट हो या कोई गाड़ी नीचे गिरे। सच, इसमें इतना मजा आ रहा है कि मुझे ही इस पर चलने की इच्छा हो रही है। रुकिए, अभी और बारीकियां बाकी है। अब हम लगाने जा रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स, और ये नकली लाइट्स नहीं है, ये असल में जलती है। अच्छा सा पेंट करने के बाद ये इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। मुझे पीला पसंद है, बहुत ही बढ़िया चॉइस है। एक बार ये अंदर गए तो हमारा क्राफ्ट पूरा हुआ। एक पूरी तरह कंक्रीट से बना मिनी ब्रिज। सच, मुझे ये मिनी मॉडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो छोटी कार्स बनाते हो? क्या आपको ये ब्रिज बिल्कुल असली लगी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। और ऐसे ही